आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व की सबसे तेज कमर्शियल बुलेट ट्रेन किस देश में चलाई जाएगी? ये हो जाएगा चीन में। चीन में देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। कलकारी क्या है? कलकारी क्या है? ये भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। द फॉरगेटेन गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द फॉरगेटेन गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा बाटिल फक है। बाटिल फक, बाटिल फक। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हाल ही में वार्षिक नानसेन पुस्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? फिर से सुने। हाल ही में वार्षिक नानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह हो जाएगा जना मुस्तफा, जना मुस्तफा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन का प्रकाशन कब शुरू किया गया था? नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन का प्रकाशन कब शुरू किया गया था? यह हो जाएगा 22 सितंबर 1888 अमेरिका में किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशाब था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशाब था। यह हो जाएगा बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 ईस्वी, 1757 ईस्वी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज कब की गई थी? कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज कब की गई थी? यह हो जाएगा 1492 ईस्वी, 1492। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितना है? यह हो जाएगा 552, 552। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नोबेल फाउंडेशन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया हुआ था? नोबेल फाउंडेशन का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। अगर ये वीडियो आप पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।